Yeah, alhamdulillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। व्यूज, आज मेरा तीसरा पार्ट है और अभी जो है ना तीसरे पार्ट में आपको दिखाते हैं जी जो किचन के कवर्स बन रहे हैं। आपने पिछले ब्लॉग में जो है ना लास्ट पे जल देखी थी, तो अब आपको ना सारा दिखाते हैं काम जो काम हो रहा है, अभी क्या क्या काम हो चुका है और क्या रह गया वो भी आपको दिखाते हैं जी। अभी आपको लेके चलते हैं अपने किचन में। किचन में जो जी वो देखे जी, ये काम हो रहा है अभी। ये भाई बैठे हुए हैं ज़रा और कभी काम जो कर रहे हैं। ये बक्स ऊपर वाले जो है ना, ये ना इनको सिपले लगने, इनको ये चीज़ बनाई गई है और ये चीज़ जो बनाई गई है। साथ में जो है ना इस साइड पर कपड़ लगेंगे, इस साइड पर जो कपड़ लगेंगे, बीच में जो है ना पेंट हो जाएगा सारा, इसमें सारे जो है ना कपड़ लगेंगे। इधर हमारा चूल्हा आ जाएगा, इसके ऊपर जो है ना हमारा लग जाएगा जी सिंक, और कह रहा हूँ फुट लग जाएगा बाहर तो निकाल, बाकी जो ये छत ये जब है ना ये पेंट हो जाएंगे सारी चीज़ें, सब चीज़ जो है ना क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लेके चलते हैं भाई, भाई जो काम हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। कड़िया अड्डा लग गया प्लाई काटने के लिए, जो अड्डा ना वो इधर फिट हो रहा है। अभी इधर से जो प्लाई जो आएंगी ना वो इधर से काट ली जाएंगी, जितना जितना सामान होगा वो इधर से काट लिया जाएगा। अड्डा जो है हमारा उधर लग चुका है, ये नीचे है, ये ऊपर से काटने के लिए। ये हमारी जी जो है प्लाई हुई है वो हमारी जिसके पल्ले लगने हैं वो ये स्टाइल है। अभी एक लाई है, दूसरे भी जो है ना उन्हें प्लाई वगैरह लानी है, लेकिन अभी जो है ना ये लगाया लाइट चली गई, लेकिन हम सोलर पे चला लेंगे, ये सोलर पे ही चल जाएगा चीज़। दूसरी शीट भी आ गई भी। ये अगर दूसरी शीट जो है वो ले आए एक चीट रह गई फिलहाल। ये जो है ना ये इतना हैवी नहीं है, यानी कि 300 या 250-300 वाट का ये चल जाएगा इतने में, और 250-300 वाट का जो चीज़ है वो इस पर आराम से चल जाती है। अभी जो है ना ये मैंने फ्रिज जो है ना वो बंद करवा दी थी, कि चले एसी जो लगा हुआ है उसके साथ जो है ना फ्रिज जो है ना वो कम से कम जो है ना बंद कर दें, तो जो फ्रिज वाला लोड है वो अगर ये ले लेगा तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, कम से कम एक घंटे का बात है। लाइट चलेगी, वैसे जैसे लाइट आएगी इसको वाटर पे कर देंगे हम, वो अपना सोलर पे जो है ना वो फ्रिज जो है ना वो ऑन कर लेंगे। अभी जो है जी तीसरी जो प्लाई है वो भी आ गई है, तीसरी तीन प्लाई हैं, तीन प्लाइयों के ना पल्ले ही बनेंगे और तीनों प्लाइयों के जो पल्ले जो है ना वो जी आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी तीनों प्लाइयों के पल्ले आ चुके हैं, सायर जो अंकल ने वो रख ली हैं नाप करके ना, साइज जो है ना रखे हैं। अभी एक एक करके ना प्लाई जो है ना वो साइज़ के हिसाब से काट लेंगे और फिर जो पल्ले जो है ना वो लगा लेंगे।
जी, अभी एक शीट जो है ना वो कट गई है, उसके जो है ना साइज़ जो है वो काट लिए हैं। अभी इससे बड़ी जो पल्ले होंगे जो साइज़ के वो साइज़ लगा रहे हैं, और फिर उस साइज़ के फिर वो दूसरी शीट जो है वो काटी जाएंगी। लेकिन मुस्लिम मुस्लिम साइज़ के पल्ले हैं, मुस्लिम मुस्लिम साइज़ के ही शीट जो है ना वो काटी जाएंगी। दो दराज की शीट हैं वो छोटी होंगी वो अलग काटी जाएंगी। अब आपको वही एक दिखाया, अब दूसरी शीट का जो साइज़ है वो भी आपको दिखाते हैं, उसको कौन से क्या उन्होंने ये लगाते हैं साइज़ का वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये लगा रहे हैं अभी दूसरा साइज़, पहले वो दूसरा साइज़ लगाया हुआ था तो उसके पहले काट लिए, अब ये एक और जो साइज़ वो लगा रहे हैं। पल्ले जो है ना छोटे जो बड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, 11 पल्ले हैं टोटल। ये वाले भी ये मिला के ना ये 11 बड़े हैं। अभी दो शीट्स पड़ी हुई हैं, उसके पल्ले भी काटे जाएंगे, लेकिन जो 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 तैयार होता जा रहा है वो हम अंदर रखते जाएंगे। हम हमारी जो शीट्स हैं ना जो वो सब कट हो गई हैं, ये शीट बच गई है। अब इसको ना ये हुड ने जो उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये शीट अभी आधी शीट है ये हुड के इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी जो हमारी सीटें जो ना वो कट गई हैं, अब पल्ले अंदर लेके जाते हैं, उसका अंदर जो है काम करते हैं। ये हमारे टोटल शीट जो है ना जो पल्ले जो हैं ये सारे पल्ले जो इधर लगने हैं, इधर सारे ऊपर से नीचे जितने पल्ले जो लगने हैं ना ये सारे पल्ले कट कर गए हैं। लाइट जो है वो भी आ चुकी है। अभी जो है ना बारिश वाला मौसम हो गया आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ ये है कि अभी हमारा जो काम है ना वो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना निकल गया। ये ड्रावन आए हैं, ये देखिए ये ड्रावन आए हैं, इसमें ना सारा जा ये चीज़ें ना इस पर ना अभी इसके आगे शीट लग जाएंगी उनको तो देगा सर जो है ना वो राउंड अप कर रहे हैं हर चीज़ अंदर रखे हैं, और बाद जो है ना वो देखेंगे कितने ज़्यादा ब्लैक बन गई बारिश ना वो आने वाली है। तो अभी देखते हैं बारिश तो आने जाने, पहले पहले ना हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब जाहिर बात धूप भी चली गई है तो काम हमारा काम जो ना वो भी तकरीबन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और अभी जो है जी काम कनपन पेंटिंग में वो ख़त्म हो रहा है, तो अभी जो है जी चलते हैं घर के लिए, ज़रा मुर्गी लाने के लिए, तो तब तक ये पल्ले लगाते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जो मैं थोड़ा बाइक काम जा रहा हूँ तब तक ये जो पल्ले लगाएंगे वो कर लेंगे, और हम जो ना हमारे घर से बाजार होंगे। ये पल्ले जो है ना लगने शुरू हो चुके हैं हमारे, ये पल्ले बाकी इधर भी पल्ले पड़े हुए हैं, उस तरह भी पल्ले जो पड़े हुए हैं, ये जो हमारा बन गया, ये हुड वाला भी हमारा बन गया, इधर हुड हमारा लग जाएगा बाकी, और ऊपर चले और बाकी चीज़ें जो है अभी
सारा हो जाएगा इंशाल्लाह, सफाई हो जाएगी। फिर अब ये देखे जी पल्ले लग रहा है, सारे दरवाजे जो हमारे फिट हो गए हैं। फुट वाली जो साइड वो भी लग गई है, अभी साइड पे दरवाजे उठाए गए, नीचे वाली साइड पर दरवाजे लग गए, बस वो दराज वाले दरवाजे वो जाए गए, बाकी ये हैंडल है, हैंडल के लिए इतना साफ हो रहे हैं, हैंडल लग जाएगी। हैंडल भी हमारे सारे लग चुके हैं, ऊपर गोला भी सारा लग गया है, और जो ताज वो भी लगा दिया है। अब जी बारी हमारी इधर हुड लगने की, हुड जो है ना वो अनबॉक्सिंग करने लगे आपके सामने। जी अंकल जी आप करें अनबॉक्सिंग हुड की। ये जी हुड निकालने लगे हैं, अलहमदुल्ला जी ये जी अनबॉक्सिंग हो गई है। ये पाइप हुड का, ये साथ में इसके अंदर नीचे वाले जो लगना नहीं वो है, ये पाइप इधर लगेगा इसका, ये इसे प्रेशर, ये मोटर है इसकी। आपको फ्रंट से भी दिखाते हैं बिल्कुल, ये अलहमदुल्ला जी ये लाइट्स हैं, ये प्रेशर हवा के लिए, ये सारा सिस्टम इधर ये चौंकी बनवा रहा हूँ मैं फ्रिज के लिए, पहले भी चौंकी बनवाई थी वो टूट गई थी प्लास्टिक की, ये लकड़ी बनवा रहा हूँ ये नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। हमारा लग गया हुआ है, हर चीज़ फाइनल हो गई है। अभी जो है जो हम करा रहे हैं जी रगराई,
ये लाए तो पॉलिश वाला था लेकिन फिर भी कह रहे थे जरा एक दफ़ा करवा ले, चमक जो नहीं इतना काम हुआ तो चमक जो नहीं वो निकल आएगी एक ये, और इसको जो गोला लग चुका है पत्थर को, इसको भी अब इसको भी पॉलिश लगेगी तो ये चमक जाएगा ये भी साथ साथ। ये भी हम रखरवाई करवा रहे हैं और यहाँ पर भी सारा रखरवाई करवाएंगे सारी, ये और सीढ़ियों में भी सारा गंद डाला हुआ है पूरे। ये पट्टियाँ जो लगा रहे हैं ना इसको पट्टियाँ बोलते हैं पंजाबी में, ये जो पत्थर के ऊपर ना लगाते हैं फिर पत्थर ना सही साफ होता है, उसके बाद फिर उसको पॉलिश लगाई जाती है। इससे ये होता है ना कि अगर आपका पत्थर लगा ना अगर लगा हुआ है कहीं से ऊंचा भी नीचा तो ये लेवल भी कर देता है साथ में कटाई करके ना, तो लेवल भी हो जाता है। अलहमदुल्ला जी अभी किचन हमारा जो ना इधर हो गया हुआ रंगाई, बारिश वो भी हो गई है और अभी हमने जो पूरा जो है वो डाल दिया, अभी उसके ऊपर जो हम चल वगैरह भी सकते हैं तो अभी पूरा वगैरह डाल दिया, जो पॉलिश है वो अच्छी तरीके से रहेगी। अभी जो है जी ये हाल है छोटा सा, अभी इसकी जो है ना रंगाई हो रही है अभी, ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है जी मैल निकल रही है, देखिए काफ़ी सालों से ये ज़रा तरह ही है, अभी इंशाल्लाह इसको ज़रा पॉलिश होगी ना अच्छे से जो है इंशाल्लाह जो साफ हो जाएगा सही तरीके से, पॉलिश होगी तो और ज़्यादा अच्छा निकल आएगा। अब ये हम जरा पानी जरा लगा के देखते हैं जी किस तरह का जो ये निकलता है। काफ़ी बेहतर हो गया, पहले कितना डार्क था ये, अब देखिए कैसे जो कलर जो है ना खिले खिले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये
ये भी अभी ये सारा हो गया, अभी सूखने के लिए रखा है। अब इसके बाद इसको भी जो है ना पॉलिश लगाई जाएगी। देखिए कितना करो जी, हाँ ये चमक गया वैसे भी। अब इसको पॉलिश लगाएंगे तो और गोल्डन हो जाएगा। हम मशीन जो है वो बंद कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है रगड़ाई का। अभी हमने ना देखे बूढ़ा भी जो है सारा डाल दिया इधर। अभी एक दो दिन तक ना इसको ऐसे ही रखेंगे सारे इसको। और अभी जो है ना पेंट का काम होना है, तो वो जो है ना फिर जो बूढ़ा इसलिए डाल दिया होगा, अगर पेंट का काम पेंट ऊपर गिरेगा तो नीचे पॉलिश जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी जो है ना ब्लॉग ये भी ख़त्म करने से, तो हमें आप भी छिड़े दूसरे को भी छिड़के। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच सकें। तो इमरान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।